हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग माय आर्मी। तो यार ट्वेल्थ बोर्ड वालों, ज़रा शोर मचा लो। लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें से आपके पांच नंबर आप आराम से बना के जाओगे। फटाफट से गाइज, लेट द मैजिक बिगिन इन द चैट सेक्शन, आ जाओ जल्दी से। अच्छा चलिए, इसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, जितने भी यहाँ पर जेई के भी बच्चे हैं, तो भैया आपके भी प्लेलिस्ट जो है tinyurl.com/jeeiwithnehamam में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ पे? एक बारी से दोनों ही बच्चों को जो नए हैं इस चैनल पे दिखा दूँ। सबसे पहले तो जी, जो आपकी बोर्ड की सीरीज चल रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, tinyurl.com/12withnehamam, जिसके अंदर एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारी वीडियोस एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, जिसके अंदर मैंने बेसिक से पढ़ाया है, मिल जाएंगी। तो जी आज इसके अंदर हम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट अप विल बी रिलेशन फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगो। ऑफ कोर्स आपके लिए एक पोल लगा हुआ है, तो जल्दी से बता दो, यानी इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब आप नेक्स्ट क्या चाहते हो, चैप्टर वाइज PYQs विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर एक मिक्स्ड बंच ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड उसी तरह से tinyurl.com/jeeiwithnehamam बेसिकली एक ऐसा PDF है जहां पर एब्सोल्यूटली फॉर फ्री आप सारे जेई के चैप्टर्स एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, एज पर मेरे हैंड रिटन नोट्स एंड टारगेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन के सेशंस के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट करने के लिए दिस इज द JEE 23 एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको क्लिक करते हो ना तो बेटा ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर 100 मिनट्स का डेली डोज पे आपको वीडियोस मिल रही हैं, यानी कि 100 मिनट की कमिटमेंट है हमारी डेली मैथ्स के सॉल्विंग की, जिसके DPPs आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इनफैक्ट मैं ट्वेल्थ बोर्ड वालों को भी बोलूँगी टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको काफ़ी कॉन्टेंट मिलने वाला है। JEE वालों को तो मिल ही रहा है, तुम्हें भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस इज द ऑफिशियल ग्रुप, इधर उधर से मत जुड़ना, बहुत सारे फेक ग्रुप्स है ओनली अंडर माई वीडियो। पहले यहाँ पे मेरे को दिखा दो भैया, तैयार हो? एवरीबडी रेडी? रेडी कर दीजिए ताकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए आगे निकल जाएं दोस्तों। यस और नो? चलो जी, सुपर्ब सुपर्ब, मजा आ गया। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो आपके एज पर द CBSE सैम्पल पेपर 5 मार्क्स की है, एंड बहुत आसानी से, अगर आपको बिलीव मी कुछ नहीं आता ना, इस सेशन के बाद आप तब भी नंबर बना लोगे अगर आप इसे देखते हो और जो मैं सवाल आपको बोलती हूँ उन्हें प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ये है आपका लेटेस्ट सिलेबस। फॉर्मुलेशन जो होती है ना, जो आप फॉर्म करनी होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो सब कट चुका है, यानी इसके अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा, एक्सरसाइज 12.1 बेसिक सवाल बस आपके आने वाले हैं। इस आज के सेशन में मैंने सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस उठाए हैं। जोश दिखा दीजिए जरा एवरीबडी, एक मिनट, चैट्स तुम्हारी, हाँ जी सही है। ओके, तो चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से। एंड बोर्ड्स वालों को बता दूं कि कल तुम्हारे लिए 3D ज्योमेट्री आ रही है भाई साहब, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री हाईएस्ट वेटेज की थी, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस थे 12 पेपर में, यानी कि 5 क्वेश्चन पर पेपर। वेक्टर्स हमने कल कर लिया है एंड 3D ज्योमेट्री कल करने जा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको यहाँ पे सिलेबस में भी दिख रही हैं, देखो ना, कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड, है ना, फीजिबल रीजन, इनफीजिबल रीजन, बाकी आपके बाउंडेड या अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। सो लेट द मैजिक बिगिन। ओके, गुड इवनिंग एवरीबडी, चलो जी आ जाओ। तो सबसे पहले तो जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सपोज है ना, मान लो, सब भूल जाओ, मान लो कि आपको यार एक फैक्ट्री बनानी है ना, जिसके अंदर आपने कुछ बुक्स मैन्युफैक्चर करनी है, कुछ स्टेशनरी मटेरियल करना है, आपका ऑब्जेक्टिव या एम क्या होगा, मुझे जरा चैट सेक्शन में लिख के बताओ। भैया तुमने एक फैक्ट्री खोलनी है तो उसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या रहने वाला है? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट, पैसा ही पैसा बाबू भैया, है ना। इस केस में क्या है भैया, प्रॉफिट बना लूं मैं, सपोज मैं एक फैक्ट्री खोल रही हूं, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास कुछ यार कंडीशंस होंगी जिसको मैं कंस्ट्रेंट्स बुला सकती हूं,
है ना, कैसे कि भैया जो मेरे पास लोग बनवाने आ रहे हैं, मतलब जो लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं कंपनी में, उनके कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स हैं, है ना, कुछ लिमिटेड आवर्स हैं जिनके लिए वो काम करेंगे, मेरे पास यही दो तीन मशीन्स हैं जिन पे काम चलेगा, ऐसा ऐसा मैं इतने ही बंदों को हायर कर सकती हूँ, तो लिमिटेड मैं कह सकती हूँ मैन पावर है मेरे पास, समझ में आ रहा है। तो कई सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके ऊपर, उनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि अब तुमने मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो तुम बोलोगे नेहा मैम मेरे पास इतने घंटे हैं, इतने चैप्टर हैं, मुझे बता दो मैं क्या करूं कि मेरा आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए, समझ रहे हो। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमम सवाल बनाने का, मैक्सिमम चैप्टर कवर करने का, समझ में आ रहा है कंस्ट्रेंट्स। यस, अब यू विल कम अक्रॉस द वर्ड कि यार आपने ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ये वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, समझो इसे। मॉक पेपर्स बेटा सब कुछ होने वाला है, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लो, अ लॉट इज कमिंग योर वे। ओके, मैक्सिमाइज करना है किसी चीज को या मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब, मैक्सिमाइज यार सिंपल सी बात है, जैसे मेरे को प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज करना है, लेकिन वहीं मुझे अगर कॉस्ट कटिंग करनी है कि यार मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना सामान पहुंचाना है, तो मुझे कॉस्ट को मिनिमम करना है, समझ रहे हो। तो जो भी सवाल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप कहते हो कि यार ये चीज़ मुझे ऑप्टिमाइज करनी है, राइट। समझ में आ रही है ये चीज़ें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो यानी एक लीनियर फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। लिख मतलब मेरे साथ ना समझते जाओ, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक से ही निकाला है, समझ रहे हो। एक आपकी क्या, एक लीनियर फंक्शन की बात करेंगे जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, करेक्ट। ये बात चमकी। कंस्ट्रेंट्स मतलब मेरे ऊपर यार ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं आपने। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं बच्चों, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तुम्हारे लिए, सुन लो। क्यों? क्योंकि इसी से आप, यही जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, ये लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी जिसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे और अपने सवाल में आगे बढ़ोगे। पहले तो बता दूं यार, ये जो क्लास 11th में जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है ना, वो यहाँ यूज होगी। यहाँ पे मुझे ज़रा चैट सेक्शन में बताओ, चैट सेक्शन में बताओ कितने बच्चों को ये आता है, कितने बच्चों को लीनियर इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना आता है, क्योंकि यहाँ से आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा। मतलब एक तो जैसे अगर सैम्पल पेपर में भी देखोगे ना, एक एक मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 मार्क का पूरा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। नहीं आता तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट समझ में आ गया। अब ऑप्टिमाइज मतलब आपने किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। दूसरी बात, फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन। फॉर एग्जांपल यार मैंने एक ग्राफ बनाया, समझ में आ रहा है, जिसके अंदर यार ऐसा कुछ आया, ठीक है, ऐसा कुछ आया एंड ऑल दैट, एंड अल्टीमेटली मेरे को ये शेडेड रीजन मिल गया। तो शेडेड रीजन या रिक्वायर्ड रीजन को मैं बुलाती हूं आपका सॉल्यूशन रीजन या फीजिबल रीजन। ये चमका, यस और नो? अरे यार तुम तो लिटरली अगर आज जीरो पे भी हो ना, हीरो बन के जाओगे इस चैप्टर में, ये गारंटी है, ये गारंटी है। चलो, तो फीजिबल रीजन समझ में आया ये कि भैया जो भी आपका फाइनली इनइक्वालिटीज को डाल के शेड करके आई है चीज, एवरीबडी, यस और नो? चलो सुपर, ये चीज़ आ गई। अब दो कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा ही हमेशा आपके हर प्रॉब्लम में होते हैं, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझो यार ये वेरिएबल्स है। जैसे मैं बोलूँ यार मेरे पास एक्स नंबर ऑफ मशीन्स, या फिर मैं सपोज एक तरीके के पेन बना रही हूँ, रेड पेन एंड ब्लू पेन। अब मुझे देखना है यार कि मैं कितना नंबर कितने का बनाऊं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैं बोलूं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड पेन्स, लेट वाई बी द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स। अब ये हमेशा एक्स या वाई जीरो होगा या उससे ज्यादा होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि मैं तो उसको बुलाती हूँ भैया फॉरएवर कॉन्स्ट्रेंट्स, ये हर जगह होते हैं। तो मेरे को एक बात जरा चैट सेक्शन में बताओ, अगर आपको ये चीज दिख जाए, इसका मतलब ग्राफ पे क्या है, x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है ग्राफ पे, जरा मैं यहां पे जानना चाहती हूं।
एवरीबडी कम ऑन माई आर्मी, कम ऑन माई आर्मी. एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू तो मतलब वही एक्सिस की बात कर रहे हैं. यानी आपके जितने भी ग्राफ आप प्लॉट करोगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे, राइट? जितने भी ग्राफ करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे. आइए जरा प्रोसीजर सीख ले, करते क्या हैं? देखो सबसे पहला काम होता है, अब आपके लिए यार सीबीएसई बोर्ड ने तो फॉर्म लंबी लंबी खुद कहानियां बनानी तो हटाई दी है. आपको कंस्ट्रेंट्स दिखेगा एक वर्ड, इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में कंस्ट्रेंट्स दिखेगा, उसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा. करेक्ट? नहीं आता डोंट वरी, मैं सिखाऊंगी. सब लोग बच्चे अपने ग्राफ पेपर ले आओ, नहीं भी है तो समझ लो, इसके बाद ट्राई कर लेना. लेबल देम एज इक्वेशंस. देखो यार आपको पता है कि जब भी आप इनइक्वालिटीज को प्लॉट करते हो, फॉर एग्जाम्पल है ना, नेहा मैम नहीं चमका क्या बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला 2x plus 3y less than equal to 12. मैं इसको बोलूँ प्लॉट करो, कैसे करोगे जरा चैट सेक्शन में करके बताओ मुझे, मतलब क्या करोगे? देखो मैं यहाँ पे ना एक ब्लैंक शीट लेती हूँ, एक ग्राफ शीट ले लेती हूँ, रुक जाओ. हाँ रुक जाओ. सपोज मैंने आपको एक इनइक्वालिटी दे दी 2x plus 3y less than equal to 12. तो धीरे धीरे करके पूछो इसको प्लॉट कैसे करोगे. आपको ना इसको एक इक्वेशन की तरह मानना है, बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, क्लास 11th वाली, फिर 12th पे आ रही हूँ. आप इसका मतलब है आप प्लॉट क्या करोगे, 2x plus 3y equal to 12. चमका? अब ये आपको दिखाना नहीं है पर आपके लिए, आपके लिए दिखा रही हूँ कि क्या करना है. x एंड y देखो, हमेशा आप ट्राई करो कि आप इस तरह से प्लॉटिंग करो कि जब x जीरो है तो y क्या होगा, जब y जीरो है तो x क्या होगा, क्योंकि उससे पूरी पूरी कटती हुई आपको इक्वेशंस दिख जाएगी. एग्जैक्टली तो रैंडम वैल्यू मत डालो, जीरो जीरो वाली डाल दो. तो x जीरो है, हाँ अगर लाइन ही जीरो से पास कर रही है फिर तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा. x जीरो है तो 3y इक्वल टू 12, y 4 हो जाएगा. ऐसा ही आया ना क्लास 10th में, ऐसे करते थे. y 0 है तो x तुम्हारा 6 हो जाएगा. अच्छा जी अब आप इसके ऊपर प्लॉट कर दो. तो ये देखो मैं 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? ओके अब यहाँ पे आ जाओ 1 2, अरे ये कहाँ आ गई मैं, 3 4, समझ में आ गया? जो आगे आगे जो भी कर लो, ये तो आपको क्लियर ही है यार, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. एंड एक बात मैंने बहुत बता दी थी आपको क्लियरली कि हर सवाल में ना आपको एक चीज हमेशा दी होगी, वो है ये. ना दी हो तो फिर आप क्वाड्रेंट उस हिसाब से बना लेना. चलो 0 4 एंड 6 0, यहाँ सब बच्चों ने मेरे को बता दिया है. अब आप इसकी प्लॉटिंग कैसे करोगे, ध्यान से सुन लो. अगर आपका एक्स जीरो है, ठीक है, अगर आपका x, ये आपने एक पॉइंट लिया 0.4, तो 0.4 यहां पे है, ठीक है, एंड दूसरा है 6.0. सारे के सारे बच्चे यहां पे लाइन मारेंगे, ठीक, सारे के सारे बच्चे. देखो तुम स्केल से मार सकते हो, मैं अभी ऐसे ही रफ बना रही हूं. अब आप इसको प्लॉट कर रहे हो 2x plus 3y equal to 12. अब समझो, अब आप क्लास 11th की लीनियर इनइक्वालिटी में कैसे करते थे, शुड आई राइट स्केल? विग्नेश लिख लो तो बहुत बढ़िया बात है यार, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पे जैसे है ना. अच्छा अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 12 का मतलब क्या है? अब आप करते हो पॉइंट टेस्ट. पॉइंट टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आप ना पॉइंट डाल के देखते हो. देखो इस लाइन ने ना आपके पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है ये पार्ट वन, एक है ये पार्ट टू. अब आपको क्या लगता है पार्ट वन होगा या पार्ट टू होगा, बताओ मुझे जरा. पार्ट वन को शेड करूं या पार्ट टू को शेयर करूं, दिख रहा है ना सबको बिंदास, है ना? चलो बताओ फिर मुझे जल्दी से. देखो आपने क्या करना है, पॉइंट टेस्ट. अगर तो लाइन यार ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो आप सीधा 0 0 पॉइंट लो और इसको उठा के डाल दो. कैसा 0 0 आपने इसमें लिया, इसके अंदर तो 2 into 0 plus 3, 0 is less than equal to 12, या ट्रू है. ट्रू का मतलब मेरे रीजन में 0 0 आएगा, आएगा. और वैसे भी यहाँ पे समझ लो जब less than equal to होता है ना तो अंदर वाला रीजन होता है, करेक्ट? तो ये वाला रीजन होएगा या
तो यहाँ पे मैं ज़रा हाइलाइटर से खूबसूरती से इसको कवर कर लेती हूँ। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे मुझे दे रखा है यार कि एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसलिए मैं सिर्फ यहीं तक कर रही हूँ, अदरवाइज तो मैं पूरा रायता फैला सकती थी। तो इसको मैं अब क्या बोलूँगी, इसको हम बोलने वाले हैं क्या, अरे वाइट से कौन लिखता है रे, सॉल्यूशन रीजन या फीजिबल रीजन। चमका, ये बिल्कुल मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है एक ताकि तुम्हें पता चल जाए, फीजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन इसको बोलेंगे। इसमें अब आपको कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जो आप सीखोगे उसे कहते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो वो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाले, करेक्ट। तो इसमें मैं आपसे पूछ लूँ कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, तो ये 0, 0, 0.4 एंड 6, 0। तो जो भी वर्टिसेस ऑफ द बाउंडेड रीजन हो गई ना, उनको आप क्या कहते हो, कॉर्नर पॉइंट। अगर इतना चमक गया है दिमाग में तो एक बारी थम्स अप दिखा दो। ये सारी क्लास 11th की मैंने तुमको रिवीजन करा दी है, क्योंकि बच्चे ना अक्सर जब ये कराने बैठो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं मैम मेरे को क्लास 11th ही नहीं याद, मैं अब कैसे करूं। यस और नो, ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, चलो। अब अगर मैं इसके साथ, क्योंकि वो आप इतने शरीफ तो है नहीं बेटा जी कि वो आपको एक ही वो दे दे इनइक्वालिटी, वो तो यार तीन चार भर के देते हैं। तो मैं सपोज एक और ले लूँ कोई, है ना, एक और ले लूँ कोई इसी के साथ, एक्स प्लस वाई लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको भी प्लॉट करना है, तो मैं क्या है, ये लाइन तो एक ऑलरेडी बनी हुई है ना, लाइन तो ये ऑलरेडी बनी हुई है, इसको बने रहने दो, इसको ना छेड़ो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 तो बनी हुई है, इसको मत छेड़िए। पर मुझे ये पता है अब मैं दूसरी लाइन को ड्रॉ करने वाली हूँ, ओके। तो दूसरी लाइन के लिए भी वही काम करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब x 0 तो y 4, y 0 तो x 4, ये तो बहुत ही शरीफ है। तो ये दोनों तो इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। लेबल कर दो इसको x प्लस वाई इक्वल टू 4, एंड ये वाली कौन सी थी आपकी, अरे 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 कहाँ गए भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपको पता है यार इस तरफ आ रही है, यानी ये वाला रीजन था कलर करने वाला। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाएंगे? ऑफकोर्स बेटा, ऑफकोर्स। अभी तो बेसिक समझा रही हूँ, फिर एनसीईआरटी के सवालों पे ही आ रहे हो। यहाँ पे आप चाहे तो पॉइंट टेस्ट लेके देख लो, 0, 0 डालोगे तो यार 0 प्लस 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये तो फॉल्स है ना, यानी ये बाहर होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसा होगा ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। चमका, ऊपर की तरफ। तो मेरा बाउंडेड रीजन या सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा, हाँ जो इन दोनों के अंदर हो, तो ये अपना सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा कुछ भी मत खोलना, ब्यूटीफुल सी पेंटिंग करना, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप खाली लाइंस मार सकते हो। एंड इसको आप बुलाओगे क्या, इसको आप बुलाओगे फीजिबल रीजन। मैं आपको बोल रही हूं लाइक बढ़ते रहने चाहिए अगर अभी तक ये काम नहीं किया तो। यस और नो, चले आगे, यस और नो, ओके, दिस इज डन बेटा। कैलकुलस आपकी पूरी हो चुकी है एनसीईआरटी से, अब तो हम धीरे धीरे पीवाईक्यूज करेंगे। आप जो इस वक्त लिंक पिंड है ना, उस पर जाके चेक करो, आपकी पूरी कैलकुलस हो चुकी है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंटीग्रेशन को मैंने दो पार्ट्स में करवाया है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है, हो चुका है। एरिया बोलोगे तो वो भी बता दूंगी। दिस इज डन सॉर्टेड, बस यही आपने काम सीखना है, करना है, मचाना है। ऑल राइट, चलिए अब मैं बढ़ रही हूँ थोड़ा सा आगे। अब एक बारी आपने ड्राइंग कर ली, उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, आपने एरोज कर दिया, आपने पॉइंट टेस्ट कर दिया, आपने शेड द फीजिबल रीजन कर दिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आपने कॉर्नर पॉइंट्स मार्क करके एक कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाना होगा आपको। कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते ही आप क्या करोगे, कंक्लूजन, मतलब वैल्यूज डाल डाल के देखोगे कि मैक्सिमा किधर हुआ, मिनिमम किधर हुआ, राइट। चाकू इक्वल टू लाइक्स, हाँ यार यहाँ से चाकू जा चुका है। एनीवे, तो एक क्वेश्चन लेके देखें, एक क्वेश्चन लेके देखें एनसीईआरटी का। चलिए
आइए फिर एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, एनसीईआरटी आपकी खोल देती हूँ एक बार। एनसीईआरटी ये देखो, यहाँ पे सबको एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x + 4y, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। सो इसी तरह का क्वेश्चन आपका जैसे पेपर में आएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको ग्राफ वाली शीट पे ले जाती हूँ और इसको करके दिखाती हूँ। मेरे साथ साथ करोगे सबके सब, ठीक है। मैंने अपने सामने भी टेक्स्ट बुक खोल लिया ताकि मैं देख पाऊँ क्वेश्चन, करें इसको। चलिए आइए, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको ग्राफ शीट पे लेके जा रही हूँ। अरे ये ग्राफ शीट दूसरी है, वो तो क्वेश्चन के लिए लगाई हुई है स्पेसिफिक। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ कि क्या क्या मुझे दिया हुआ है। तो मुझे पहली बात तो करना है मैक्सिमाइज क्या, z इक्वल टू 3x + 4y, ये क्या है बेटा, इसको क्या कहते हैं, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट उसने कहा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एंड बहुत ही थोड़ा सा बस ये दे दिया आपको। अरे यार कोई चैलेंज तो देखते, ये है आपका एनसीईआरटी का 12.1 का क्वेश्चन 1, ठीक है। अब x + y < 4, तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, आपको पता है ये लाइन हमने अभी पहले भी मारी है x + y = 4 वाली। अच्छा, फिर उसने दे रखा है कि x > 0 y > 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मुझे मिला हुआ है। देन इट इज टेलिंग अस x + y < 4, ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी अपना शेडेड रीजन मुझे मिल गया है। बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ कर रही हूँ ताकि हर एक को समझ आ जाए। ओके, तो ये आपका यार शेडेड रीजन हो गया है पूरा का पूरा, आपको शेड करके दिखाना होगा, मतलब पेंसिल से ऐसे लाइनें मार लेना, ठीक है। ये आ गया आपका शेडेड रीजन। अब अच्छा, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे ये भी समझ लो। ये बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड मतलब तीनों तरफ से बंद है। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स, मैं इसको बुला सकती हूँ OAB, ठीक। अब आप बनाओगे कॉर्नर पॉइंट टेबल, राइट, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट, एंड इस तरह का आपको टेबल बनाना हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है z = 3x + 4y। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने करना है मैक्सिमाइज। कॉर्नर पॉइंट जरा देख लो, मेरा O है 0 0, मेरा A है 0 4, मेरा B है 4 0। क्या तुम लोग इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो अपने आप? बहुत सही, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत छोटा छोटा बेसिक से हल्का हल्का करा रही हूँ। 0 0 आपने इसमें डाला, ये 0 आ गया, 0 4 डाला तो 3 × 0 = 4 × 4 = 16, ये क्या हो गया 3 × 4 = 12। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि यार मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही आपको मिलेगी। तो ये क्या आ गई कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो, क्वेश्चन खत्म, यही सवाल था बेटा, चलो घर जाओ अपने, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जीरो, अरे 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 हाईलाइटर से कौन लिखता है, अरे हाईलाइटर से कौन लिखता है, चलो कोई नहीं। हाँ, आप लिखोगे 0 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16। बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको करा दिया है, अगर चमक गया तो यार एक बार ही थम्स अप दिखा दो। बहुत सिंपल था, यस और नो? समझेंगे हम कि जब आपका रीजन बाउंडेड होता है बेटा, अरे भाई क्या हो गया, जब तो आपसे पूछते हैं वो मैक्सिमम, एंड जब आपका रीजन अनबाउंडेड होता है तो आपसे पूछते हैं मिनिमम। यही आपकी बस आखिरी चीज है अब जो मैं मिनिमम बताने जा रही हूं आपको अनबाउंडेड रीजन का, उसके बाद में थोड़े सैंपल पेपर क्वेश्चंस पे भी आने वाली हूं, राइट और नो? सीबीएसई के केस में ना बेटा आपसे फॉर्मुलेशन नहीं पूछेंगे, कैसे प्रॉब्लम को बनाना है वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलो ये चीज हमें समझ में आ रही है, तो एक क्वेश्चन ले रही हूं मैं आपकी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 12.1 क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 एंड मिसलेनियस आप लोग के लिए कटी हुई है,
मतलब मिसलेनियस में वही आ सकता है अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशंस दे रखी हो एंड आपने बनाना हो. तो यहाँ पे देख लो, बहुत छोटा सा ही सेशन होगा ये आपका, बट आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी. तो मिनिमाइज क्या, z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है. सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू क्या, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको आपने प्लॉट करना है. तो आ जाओ यार, मेरे से प्लॉट नहीं करोगे फिर तुम, ये मेरे से प्लॉट नहीं करोगे तुम लोग, आ जाओ. चलो चलो करें इससे प्लॉट. ओके, यहाँ पे आप देखो x 0 है तो y 1 है. ओके, तो 0,1 हो गया. y 0 है तो x 3/2 यानी कि 1.5 है. तो यहाँ पे आपका कहीं मिल जाएगा आपको पॉइंट 1.5, 0, ठीक है जी. चलो फिर ये लाइन बना दो यहाँ पे. ओके, इसकी टैगिंग भी कर दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, करेक्ट है, है ना. अब अगले उस पर आ जाओ, अगले उस पर आ जाइए. दिस इज x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो x 0 है तो y 3 है, 2, 3, एंड y 0 है तो x 6 है. तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है. ओहो, ऐसा लेटी हुई लाइन बन रही है. ओके, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 6. अब खुद से सोचो यार, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, आप इसमें 0 0 भी डालोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जो फॉल्स होता है, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा, सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है. अच्छा, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भैया वो पहले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है. ओके, एंड यहाँ पे मैं देखूँ तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये भी ऊपर ही आएगा. तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा बच्चा, कॉमन रीजन तो यार आज़ाद परिंदा है, समझ रहे हो, आज़ाद परिंदा है ये. यहाँ पे कॉमन तो इसमें यही है ना सारा कुछ, ब्यूटिफुल, समझ रहे हो. ये इसके यार बाहर नहीं जाएगा क्योंकि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चीजें रहनी चाहिए. ये चीज समझ में आ गई है? तो आप इसको क्या बुलाओगे, आप इसको क्या बुलाने वाले हो, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन. चमक गया ये, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन्स, ये चीज चमक गई है ना. अब इसके मैं कॉर्नर पॉइंट देख लूं, यहां पे कॉर्नर पॉइंट इसके अंदर ध्यान से देखना, एक एंड दो, बस दो ही कॉर्नर पॉइंट है यहां पे, क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आ रहा इनका आपस में, देख रहे हो, इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आ रहा ना, वरना वहीं से आपकी लाइन. एक मिनट, मैंने एक मिनट बच्चों, मैंने एक कोई गड़बड़ तो नहीं करी, अरे यार ये लाइन ठीक नहीं बनी क्या, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, लाइन एक मिनट. एक्स इज जीरो, एक्स इज जीरो तो वाई इज थ्री, अरे यार वाई जीरो, अरे यार लाइन गड़बड़ कर दी, एक मिनट रुक जाओ, बहुत जल्दी कर दी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये ना इसकी लाइन थोड़ी सी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से आनी थी, हाँ यहाँ से आनी थी ना, क्योंकि एक्स जीरो तो वाई थ्री एंड वाई जीरो तो एक्स सिक्स, ये वाली ज्वाइन करनी थी, किसी और को ही ज्वाइन कर दिया क्या, ये होनी थी. तो मतलब पॉइंट ऑफ वो तो अभी भी वैसे ही आ रहे हैं, बट वैसे बता रही हूं तुम्हें. तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन सेम है. यस, हाँ ऊपर आनी थी, कोई बात नहीं, चलो हो गया. अब इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है देखो, अगर आप ध्यान से, आपको यार यही कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, 0, 3 एंड ये वाला, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ से, ठीक है ना, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ से, यही दोनों आ रहे हैं. हाँ गड़बड़ थी जो ठीक हो गई, वैसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं. तो कॉर्नर पॉइंट जो है आपके, कॉर्नर पॉइंट यार 0, 3 आ रहा है मेरा, और ये कौन सा आ रहा है, 6,0 आ रहा है. इस पे ज़रा वैल्यू देख लो आप क्या है. तो 0, 3 पे यार 6 है एंड 6, 0 पे यार यहाँ पे 6 है. अरे यार दोनों की आ गई, दोनों सेम आ गई. अब मैं इसमें से कैसे पता लगाऊं कि मिनिमम कौन सा है, या गड़बड़ है अभी भी, क्या गड़बड़ है, 3y नहीं है, रुको एक मिनट,
टू एक्स प्लस वाई, ओहो, चल कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक मिनट, बुक में फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस वाई है, अच्छा यहाँ है क्या, चलो कोई बात नहीं, अभी बुक का क्वेश्चन कर लें क्या, इसमें तो तुमको समझ आ गया ना, इसमें समझ आ गया तो मैं बुक का भी अब मॉडिफाई कर देती हूँ, कोई बात नहीं, बुक वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, बुक का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप ही हमने मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, तरीका तो तुम्हें समझ आ गया ना, लो क्वेश्चन 6 कर लेते हैं 12.1 का, ये क्या कह रहा है, मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ उसमें देखो अगर दोनों में सेम आ जाए तो लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम आपका आंसर होता है, यहां पे समझ लो आपका x 0 है तो y 3 है, तो यहां झटपट से कर लेते हैं, एंड y 0 है तो x 3 बाय 2 है, तो ये 1 है ये 2 है, इसके बीच की लाइन है, तो यार इसको तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, आई होप आप सही है, और कोई बात नहीं यार हमने एक नया क्वेश्चन कर लिया, क्या ही हो गया, ठीक है, 2x प्लस y इक्वल टू 3 है, दूसरा वाला आपका क्या है, x प्लस टू वाई, तो यहां पे x 0 तो y 3 एंड y 0 तो x, y 0 तो x 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये ऐसे आ रही है, दोनों के दोनों जैसे आप देख रहे हो ये इस तरफ है वो उस तरफ है, तो अभी भी आपकी लाइंस तो बेटा सेम ही आ रही है, करेक्ट, यस मैम, है ना, लाइंस तो आपकी मतलब कॉर्नर पॉइंट तो अब भी सेम ही आ रहे हैं, तो कॉर्नर पॉइंट अगर मैं यहां पे देख लूं आपके 0 3 और 6 0 है, अच्छा अब मैं वैल्यू डालूं x प्लस टू वाई, वैल्यू क्या है यहां पे 2 3 6 एंड यहां पर भी 6, तो सेम ही तो आ रही है, अरे बेटा सेम ही तो आ रही है यहां, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आ रहे हैं, थोड़ी सी अगर डिफरेंट भी लाइन थी तो फर्क इतना नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों के दोनों आ रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, इस केस में ना हम फैसला ऐसे ही नहीं कर देते, इसके अंदर अब हम एक प्लॉट करते हैं नई लाइन, क्या कि x प्लस टू वाई लेस देन जो मैक्स, जो आपकी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, इस केस में तो दोनों ही सेम आ रही है, इस पॉइंट को यार बहुत इंपॉर्टेंट बना के मार्क कर लो, ये यार काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमाइज, जब आपने अनबाउंडेड रीजन आपका आता है तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है, अनबाउंडेड रीजन, देखो जब तो रीजन बाउंडेड था तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो बन गया, जो मिनिमम वैल्यू आई वो बन गया, अगर दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है तो आप बोल दो कि दोनों की लाइन सेगमेंट आपका आंसर है, लेकिन इस केस में आप एक एक्स्ट्रा करते हो, क्या करते हो आप, इसको प्लॉट करते हो, तो x0 टू y3, तो इस लाइन को प्लॉट करते हैं x0 तो y3, अच्छा y0 तो x6, बेसिकली आपकी यही वाली लाइन आ रही है ना, y0 तो x6, बेसिकली आपकी यही वाली लाइन आ रही है, लेकिन लेस देन 6 मतलब इधर है, लेस देन 6 मतलब इधर है, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमनालिटी है, ये मेरा सॉल्यूशन रीजन है एंड ये मेरा है रीजन विद रिस्पेक्ट टू द इनइक्वालिटी, नीचे वाला, मैं आपको ना डिफरेंट कलर से दोनों शेड करके दिखाती हूं एक बार, इसको समझो, ये आपका सॉल्यूशन रीजन है ऊपर वाला, ठीक है, एंड नीचे वाला क्या है आपका, इससे अगर आप सोच रहे हो लाइन कॉमन आ रही है, नहीं यार लाइन नहीं है, लेस देन 6 है तो लाइन इस पे है ही नहीं, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों रीजन के बीच में तो आप बोलोगे हाँ यार 6 ही है आंसर, अगर कोई भी रीजन ऐसा ओवरलैप हो जाता तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, क्या ये चीज समझ में आई, यस और नो, क्या ये चीज समझ में आई, अगर आपका ओवरलैप हो जाता है तो आप बोलते हो नो सॉल्यूशन, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप बोलते हो आंसर इज 6, इस केस में दोनों 6 दे रहे हैं तो आप बोलोगे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज द आंसर, ठीक है, मैं यहाँ पे ना आपको दिखा भी देती हूँ एक बार ये जो कंक्लूजन, एक मिनट थोड़ा उल्टा जा रही हूँ, देखो यहाँ पे आपको समझ आएगी ये चीज, अनबाउंडेड के केस में
आप ये प्लॉट करते हो मैक्सिमम में केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम के केस में जो हमारे पास इस वक्त था ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन वो. तो अगर तो यार नो पॉइंट इज कॉमन तो आप बोलते हो यार जो आपने अज्यूम किया था एम ही आंसर है, लेकिन अदरवाइज अगर कुछ भी कॉमन आए तो आप लिखते हो नो मिनिमम वैल्यू. एंड इस केस में मैक्सिमम के केस में भी काफ़ी सिमिलर होता है, अगर तो आपका नो पॉइंट कॉमन आए तो आप बोलते हो कि यार जो आपने फीजिबल रीजन कहा था जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वही है आंसर, अदरवाइज नो मैक्सिमम वैल्यू. क्या ये चीज़ समझ में आ गया है एवरीबडी? यस और नो? ठीक है, अब मैं क्या करूँगी ना, थोड़े से आपके सैम्पल पेपर के सवाल ले रही हूँ. ये आपका क्वेश्चन जो है ये वन मार्कर है, ये आपका वन मार्कर है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सैंपल पेपर का. इसको ध्यान से पढ़ लो. यस, इसको ध्यान से पढ़ लो. क्या है और आपका कॉर्नर पॉइंट मेथड यही कहता है कि जो आपका मैक्सिमा या मिनिमा है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करता है. कूल, आ जाइए फिर. सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी 3x + 5y < 4. भैया आप इसको हवा हवा में ही प्लॉट कर सकते हो ना. x को 0 पुट कर दो, y इज 4/5. ठीक है, 4/5 मतलब इसके कहीं पास ही होगी. तो सॉरी ये तो y पूछ रहे ना, इसके आसपास ही होगी कहीं. 0, 4/5. अच्छा, अगर y को 0 पुट कर दूँ तो 4/3. ठीक है, 4/3 ज़्यादा होगी 1 से. तो कुछ इस तरह की लाइन बनेगी. लेस देन 4 मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन होगा. ठीक है, ऐसा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा. अब कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन. यार देखो इसमें और कुछ तो दे नहीं रखा, आपको साफ साफ बोल रहा है वो. उसने कोई ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सेकंड में ही है, ये पूरा आ रहा है. ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, हाँ जी. होल एक्स वाई प्लेन, नहीं जी. क्लोज हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, क्लोज तो नहीं है ना, ये तो अनबाउंडेड है. तो आप इसमें क्या आंसर दोगे? ये वाला. अरे हाईलाइट करना था, ये क्या ही कर दिया नेहा मैम. ये आपका आंसर आ जाएगा. चमक गया एक बार. यस और नो? यस और नो? ठीक, तो ये आपका वन मार्क का क्वेश्चन है. ओके, अगला क्वेश्चन. बस ये तो सीधा बी पार्ट आपने आंसर देना है. अगला क्वेश्चन, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन. यह है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन. क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं. कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फीजिबल रीजन ऑफ एन LPP. नहीं, ये भी आपका एक्चुअली वन मार्कर ही है. रुको जरा, ये भी वन मार्कर ही है. इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है. हाँ, तो आपको यार ये सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी. इस फिगर को जरा ध्यान से समझ लो. इनफैक्ट मैं ये सब हटाती हूँ, तुम इसको, मैं फिगर को थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ इधर. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. एंड इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको बीच में शेडेड रीजन भी दे रखा है. करेक्ट? ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन आर 20, 0, जैसे आप देख रहे हो, 40, 0, 40, 160 एंड 20, 180. राइट, दिस इज वॉट आई हैव. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? वो कह रहा है यार ये पूरा कॉर्नर पॉइंट का टेबल दे रखा है आपको, समझ रहे हो? यस, ये कॉर्नर पॉइंट का टेबल. वो बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट 40, 160. यस और नो? 40, 160. मुझे क्या लग रहा है? अरे यार ये एक सेकेंड रुको, ये तो हमने अरे यार ये रहा. अब वो पूछ रहा है क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये अकर्स एट विच पॉइंट. मिनिमम वैल्यू आपको एक अनबाउंडेड रीजन दिया हुआ है. कॉर्नर पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं. ये है आपके कॉर्नर पॉइंट. वो दूसरा क्वेश्चन लगा दिया था मैंने, ध्यान से पढ़ो इसे. कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फीजिबल रीजन आर 0, 4. अगर किसी को नहीं दिख रहा, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ. ये है 1.6, 1.6. ठीक है, ये है 3, 0. ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं. आपको पूछा है मिनिमम वैल्यू अकर्स एट दिस, तो आप वैल्यूज डाल डाल के देखोगे.
आराम से देखो, वैल्यूज डाल डाल के देखोगे। तो आपने डाला 0.4, किस में? 4x + 6y में, तो यहाँ से आया 24। नेक्स्ट में आपने डाला 1.6, यानी कि समझ रहे हो ना, 4 × 1.6 + 6 × 1.6, तो भैया ये तो 1.6 कॉमन ले लूँ तो 4 + 6 = 10, यानी कि 16 आ जाएगा। एंड तीसरा है 3.0 जो कि मुझे दे रहा है 12। अच्छा, अब उसने कहा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ मेरे को दिख रही है 12, लेकिन ये अनबाउंडेड रीजन है तो मैं क्वेश्चन को अभी नहीं खत्म कर सकती। यस, ये अनबाउंडेड रीजन है तो सॉल्यूशन को मैं अभी खत्म नहीं कर सकती। मुझे क्या प्लॉट करना होता है इसमें, जरा चिट चैट सेक्शन में बताओ। 4x + 6y इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू, इसको प्लॉट करना पड़ेगा आपको, इसकी इक्वेशन प्लॉट करनी पड़ेगी। यानी कि 2x + 3y लेस देन, मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं, ये इसकी इक्वेशन प्लॉट करनी पड़ेगी आपको। ये ऑलरेडी गिवन है और ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये सब दे रखा है, आप इसको प्लॉट करोगे। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ प्लॉट करो जरा क्वेश्चन। अरे हैंग हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो x 0 है तो y 2 हो जाएगा, तो y 2 हो जाएगा ये रहा, एंड y 0 है तो x 3 हो जाएगा ये रहा, यानी कि ये डॉटेड लाइन ही आ रही है तुम्हारी, एंड इसके नीचे वाला रीजन। तो मुझे बताओ यार, जो तुम्हें सॉल्यूशन रीजन दिया हुआ है एंड ये जो इनइक्वालिटी के नीचे का रीजन है, इसमें कुछ कॉमन है? बस इतना लिखो हाँ या ना, बस इतना लिखो हाँ या ना। नहीं बेटा ये पॉइंट, अच्छा 0.6 है क्या? अच्छा 0.6 है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू आ रही है? 6 × 4 = 24, तो 2.4, 16 × 6 = यहाँ 9.6 आ जाएगी, तो 6 × 4 = 10, 12, ये भी 12 ही आ रही है, ये भी 12 ही आ रही है। ठीक है ठीक है, ये 0.6 था, ओके ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर आपने मिनिमम निकाला है, तो इस तरफ अगर आप देखोगे यार, सॉल्यूशन रीजन तो इधर जा रहा है मेरा, सॉल्यूशन रीजन तो मेरा इधर जा रहा है एंड इनइक्वालिटी इधर आ रही है, राइट? तो इस केस में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि मेरी मिनिमम वैल्यू 12 ही है। एंड आंसर क्या है? मिनिमम वैल्यू 12 ही है, आंसर क्या है? 0.6, 1.6 only, 3 0 only, 0.6 and 1 and 3.0, हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, या एट एवरी पॉइंट दिस, तो सी होगा या डी होगा, ध्यान से सोच के बताओ। इसका आंसर इस केस में सी होगा या डी होगा, ध्यान से सोच के बताओ। पता नहीं अटक क्यों गया है, हैंग हो गया, अरे सिस्टम हैंग हो गया रे। ग्रेटर देन कब लेना है? जब यार आपसे मैक्सिमा पूछा जाए। इसको क्या हो गया? ओ हेलो भाई साहब, काहे हैंग हो गए आप? हेलो हेलो कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा चेक करती हूँ। एग्जैक्टली डी, क्योंकि मैंने बताया था अगर दो पॉइंट सेम आंसर दे रहे हो तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम आंसर रहती है। अरे यार हाँ, अरे 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 भाई क्या हो गया तुम्हें? ओहो हो हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, हाँ शुक्र है ये हो गया। चलिए ठीक है जी, बढ़िया है ना, ये चीज़ समझ में आ गई है, तो डी इज़ द आंसर। एक और ये आपका सैम्पल पेपर का ही सवाल है, देखो ज़रा इसे ध्यान से। ये अब आपका, क्योंकि आपको इसमें सारी प्लॉटिंग श्लॉटिंग करनी है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज z = 400x + 300y सब्जेक्ट टू, ये कंस्ट्रेंट दे रखा है, ये कंस्ट्रेंट दे रखा है, ये वाला और ये वाला, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं जो मुझे प्लॉट करने हैं ग्राफ पे। यस और नो? यस, चलो तो इसको जरा समझते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप x प्लस वाई देखो। अब मैं कितना, अब मुझे बताओ मैं स्केल क्या लूँ, यहाँ 20 भी प्लॉट करना है, 40 भी करना है, तो 20-20 के गैप पे ले लें हम। 20-20 भी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 200 तक बनाना है, तो 40-40 का ले लें क्या, है ना? 40, 80, 100,
क्या किया मैंने, रुको रुको रुको, अरे बार बार हैंग क्यों हो जा रहा है भाई, ये बार बार हैंग क्यों हो रहा है, इसको क्या दिक्कत है आज, क्या हो गया मैम, हैंग हो रहा है बार बार ना, क्या हैंग हो रहा है, ये बोर्ड हैंग हो रहा है, बोर्ड का बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए बोर्ड हैंग हो रहा है आज। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या क्या बनाए हम, एक मिनट रुक जाओ ना, 40 का गैप ले लेते हैं, तो 40, 80, 120, 160, 200, ठीक है, यहाँ पर भी यही कर लेते हैं। अब आप स्केल ज़रूर मेंशन कर देना कि 1 यूनिट इज इक्वल टू या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 यूनिट्स। चलो आप चाहो तो 20-20 का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने 40 का स्केल ले लिया। ओके तो x प्लस वाई, आपको पता ही है 200-200 से पास करने वाली लाइन है, कितनी गंदी लाइन बनाई, अरे बाबा कितनी गंदी लाइन बनाई, चलो कोई बात नहीं, ये है। चलिए दूसरी मैं बना रही हूँ, ये देखो हैंग ही हो जा रहा है, अरे बाबा क्या हुआ भाई तुझे, ऐसा क्या है कर रहे हो, चल सेम कलर से बना देती हूँ। x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 40, ये बात ठीक है, ये बात आ जाओ। x इक्वल टू 20, 20 यानी कि ऐसी लाइन, सिंगल कलर का शेड है भाई साहब, सिंगल कलर का शेड है तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 20 भी, यार यही होगी लाइन, मुझे ना इसको मिटाना ही पड़ेगा, यार ये हो क्या रहा है, एक मिनट यार ये ना बहुत गंदी तरीके से हैंग हो रहा है, बार 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 वहीं से हैंग हो रहा है, क्या करें क्या ही करें इसका, रुको ज़रा मैं इसको ना इस पर खोलती हूँ, चलो इस पर खोल लेती हूँ एक बार, है ना, कोई बात नहीं, तो 40, 80, 100 मतलब 120, 160, 200 रीस्टार्ट कर देते हैं, नहीं मैंने ना फॉर्मेट चेंज किया है तो अभी इसमें देखते हैं, ठीक है, ये आपका रहा x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, तो आपको पता है इस तरफ होगा आपका सारा रीजन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कर लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू 40, तो यहाँ पे 40 है, आप दिख रहे हैं ना आपको, x इक्वल टू 40, तो लेस देन इक्वल टू 40 मतलब अंदर की तरफ, और x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो यार इसका भी हाफ है ना, ये x इक्वल टू 20, तो आपको दिख रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये बाहर की तरफ है, ये x, तो यानी ये और ये रीजन, तो ये रीजन आ रहा है मेरा, यस और नो, एक बार जरा मुझे बता दो चैट सेक्शन में, सबको रेलेवेंट रीजन समझ में आ गया है क्या, सबको ये रीजन समझ में आ गया क्या, दिस इज द रीजन। चलिए अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यार हाईलाइट करना है कि भाई क्या क्या होगा इसके कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये तो मुझे दिख रहा है वेरी सिंपल, 20, 0, 40, 0, इसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले सकते हैं ये दोनों आपस में इनको सॉल्व करके, है ना, तो मैं इसको ले देती हूँ ए बी सी और डी, तो कॉर्नर पॉइंट के लिए यहाँ मैंने कॉर्नर पॉइंट लिखा, यहाँ मैंने लिखा जेड इक्वल टू 400x प्लस 300y, ठीक है जी, तो ए और बी तो मेरे सॉर्टेड है यार, ए मेरा 40-0 है, बी मेरा 20-0 है, सी और डी जरा फाइंड कर लेते हैं, फाइंड क्या मतलब इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, आ गया ना, हाँ तो यार ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहले एक बार x को 20 ले लो, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 200 यानी कि y आपका 180 आ जाएगा, तो 20, 180 आ गया आपका पॉइंट सी, 20, 180, तो अब उसी तरह से अगर आप x को 40 ले लोगे तो आई थिंक आपको समझ आ गया है 160 आएगा, ठीक है। अब आप हर एक की वैल्यू निकालो, तो ये 40 इंटू 4 16, 16,000
ठीक है, 20 के साथ करूंगी मैं तो ऑब्वियसली यार 8000, इसके साथ करो 4 into 2, 8000 प्लस 3 into 18, 5400, ओ माय मुन्ना 54000, ओके। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 and 160, तो क्या बन रहा है बेटा, यहाँ देखो दिस विल बी 16000 प्लस 16 3 is 48, 1 2 3, तो आप देख लो यहां से मैक्सिमम वैल्यू किसके पास मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू किसके पास मिल रही है, इसी की लग रही है ना, 64 बन रहा है ये, 62 बन रहा है ये, तो दिस इज द आंसर। क्योंकि ये बाउंडेड रीजन है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एवरीबडी। ठीक है जी, एक बार चमक गया, यस और नो? देखो लाइक किए बिना जाओगे ना तो पाप चढ़ेगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो 3 marks के क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है ना, आप एंड में इसको कैसे कंक्लूड करोगे ये सब तो करने के बाद, आप बोलोगे सिंस, सो आप बोलोगे क्या, मैक्सिमम वैल्यू इज एट द पॉइंट 40,160 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या, 64,000, दैट इज हाउ यू विल इवेंचुअली गिव योर आंसर। ठीक है जी, सी एंड डी बोथ राइट, अरे कहाँ बोथ बेटा, 54 और 8 तो 62,000 होते हैं एंड ये 64,000 है, 64,000 इज द आंसर, डन। तो आई थिंक ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जैसे एक 2022 का सवाल है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फीजिबल रीजन, अरे शेडेड रीजन तो अच्छा ये है, ये वाला शेडेड रीजन, ठीक है ये शेडेड रीजन दिया हुआ है, विच पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम। तो आपको यार कॉर्नर पॉइंट वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, क्या करेंगे आप इसके अंदर, सिंपल सी बात है, ए बी, तो आप कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाओगे, ये ए है एंड यहाँ जेड इक्वल टू 3x + 9y है, ठीक है, ए की जगह यहां कॉर्नर पॉइंट लिख दो, क्या करोगे, क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, ए इज 0,10, बी इज 5,5, सी इज 15,15, ठीक है एंड डी इज 0,20। इसमें मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी शेडेड रीजन दिया हुआ है, चमक गया ये। अब आप वैल्यू डालोगे इसमें तो 0,10 आपको क्या देगा, 90, ओके 5,5 तो ये आ जाएगा 5 3 15 प्लस 9 5 45 जो कि मुझे क्या दे रहा है 60, अच्छा 15 और 15, तो यार 15 कॉमन लेके मैं 3 + 9 कर सकती हूँ, तो 15 into 12 आपको पता है 180 होता है एंड ये भी 180। अब आप जैसे देख रहे हो बाउंडेड रीजन है, दो वैल्यूज मेरे को 180 दे रही है आंसर, यानी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सी एंड डी, ये चीज समझ में आई, यस और नो? अरे बेटा ये चीज समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है जी, डन डना डन हो गया, आई होप ये चीज सबको चमक गई है, यस? तो ये भी आपका बन गया है करेक्ट। इसी तरह से ये सवाल था, आपको सारी चीजें दे रखी थी, मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी थी, आप हर एक पॉइंट को डाल के देखोगे जो लीस्ट वैल्यू निकल जाएगी वो यहां पे आ जाएगी, राइट? अब जैसे कि ये एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है एंड इसको आपने प्लॉट करके, इसको आपको प्लॉट करके आंसर निकालना है, तो एक ये आई थिंक सवाल बना लेते हैं हम, तो इसकी जरा मैं फोटो खींच लूं क्योंकि मैं फिर आपको ब्लैंक स्लाइड पे ये करवाने वाली हूं। अरे ये तो सेल्फी मोड में आ गए हम, ठीक है चलिए ओके जी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अरे अरे मैंने वीडियो बना दी क्या? हाँ तो ये मेरे पास आ गया, मैं इसको ज़रा आपकी ग्राफ वाली उस पर ले जाती हूँ एंड फटाफट से हम देख लेते हैं ऐसे, ठीक है? तो मेजरली आपसे बस यही चीज़ पूछी जाएगी और कुछ भी नहीं। तो आपसे क्या है, मिनिमाइज
क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमाइज z इक्वल टू 30x प्लस 50y एंड आपको कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि यही सवाल हमने किया है पहले भी, यस और नो, ये एक क्वेश्चन किया है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किया, ये नहीं किया. अच्छा जी, तो ये करना है आपने. आपको पता है प्लॉटिंग स्लॉटिंग कैसी होने वाली है, x 0 है तो y 3 है, ठीक है, एंड y 0 है तो x 5 है, 1 2 3 4 5. तो आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, ओके. नेक्स्ट, x 0 है तो y 6 है, 4 5 6 एंड y 0 है, y 0 है तो x आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. अरे यार 9 तक तो ये जाएगा ही नहीं, 6 7 8 9, चलो कुछ ऐसा ले लेते हैं अभी के लिए ना, रफ सा ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ऐसा एक रफ सा ले रही हूँ मैं. चलो तो 3x plus 5, ये वाला यार greater than equal to 15 है तो ऊपर की तरफ आएगा, ये वाला नीचे आएगा आपका, तो आपका बाउंड्री रीजन आपको समझ में आ रहा है क्या बन जाएगा, राइट ये आपका बाउंड्री रीजन बन जाएगा जिसके अंदर कॉर्नर पॉइंट अब आपको लेने हैं, ठीक है. ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है भैया, जब 9,0 होगा, करेक्ट, सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉटेड है, तो कॉर्नर पॉइंट करोगे और आंसर अपना निकालोगे, क्या बनेगा देख लो जरा. तो यहां आप लिख रहे हैं कॉर्नर पॉइंट एंड इधर ले रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो कॉर्नर पॉइंट यहां पे एक तो आ रहा है 0 3, करेक्ट, ए आ रहा है 0 6, एक आ रहा है 5 0 एंड चौथा आ रहा है 9 0. वैल्यू डालो, 30x वाले में ये आ रहा है 150, 0 6 डालोगे तो 300, 5 0 डालोगे तो फिर से 150 एंड 9 डालोगे तो 9 3 2 70. आपसे मांगा है मिनिमम, मिनिमम आ रहा है दो जगह एंड ये रीजन बाउंडेड है, एंड ये रीजन बाउंडेड है कि नहीं है ना. तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा कि यार इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता हुआ आपका आंसर आएगा 50 50 और इसको आप बोलोगे मिनिमम अकर्स एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एट ऑल द पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट 0 3 and 5 0. तो आपका आंसर कैसे लिखोगे आप, मिनिमम अकर्स एट occurs at line segment joining 0 3 and 5 0. got it, ये सबको clarity मिल गई है इस चीज की. तो I hope आप लोगों को ये सारी चीजें clear हो गई होंगी, और कुछ भी नहीं है लिटरली, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो आपसे पूछा जाएगा. बहुत ही छोटी सी चीज़, बट आई थॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग, तो मैंने ये कर दिया है. कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, राइट. एंड फिर से एक बात बोलूँगी यार, आपकी जो 12th मैथ की कंप्लीट सीरीज़ है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड दिस tinyurl.com/12thwithnehamam, ठीक है. इसको ओपन करते हो तो आपकी सारी की सारी बोर्ड की सीरीज, तो बच्चे जो कैलकुलस कह रहे थे ना, देख लो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये रहा कैलकुलस सारा लगा हुआ है, राइट. एरिया नहीं है वो भी करवा दूंगी, बहुत छोटा सा टॉपिक ही है जो आपसे पूछा जा रहा है, ओके. एंड लीनियर प्रोग्रामिंग भी जैसे यहाँ हो चुका है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलरेडी सॉर्टेड, वेक्टर 3D आपका हो चुका है, यानी सारे के सारे चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कवर हो चुके हैं. रिलेशन फंक्शंस एंड इनवर्स को भी आपको बहुत जल्दी हम मिल जाएगा. इसके अलावा आप अगली सीरीज, मतलब और किस तरह की वीडियोज चाहते हो, PYQs चैप्टर वाइज, राइट, या फिर सारे मिक्सड मॉक पेपर सॉल्विंग टाइप, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर के एक साथ मिक्स करके, व्हाटएवर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
सॉरी, एंड इसके साथ साथ अगर आप यहां पे आते हो tinyurl.com/jeeewithnehamam, दिस इज द एब्सोल्यूट फ्री रिसोर्स फॉर योर अप्रैल प्रिपरेशन. इनफैक्ट 2024 के बच्चे भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो अप्रैल की एक्सक्लूसिव सीरीज है वो मैंने यहाँ लगाई हुई है, इस पर क्लिक करते ही यू विल एंटर हियर, जिसके अंदर हमारी लेटेस्ट सीरीज चल रही है 100 मिनट्स का डेली डोज, जिसके अंदर 3D ज्योमेट्री इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुमारो. तो इसको लाइक करके नोटिफाई मी जरूर दबा देना, ताकि यार आप मिस ना करो. मैंने आपसे और आपने मेरे से 100 मिनट्स ऑफ डेली क्वेश्चन सॉल्विंग की कमिटमेंट ली है, जो यहाँ पूरी हो रही है. तो एक दिन मैं आपके साथ लाइव सेशन करती हूँ और थ्योरी के बाद 100 मिनट की प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हूँ, एंड आपको DPPs प्रोवाइड होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड फिर उसके सॉल्यूशन मिलते हैं आपको अगेन अगली मॉर्निंग टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आप वो सब प्रैक्टिस कर सको. तो 100 मिनट मैं आपके साथ मेहनत करती हूँ, अगले दिन 100 मिनट आप खुद से मेहनत करते हो, राइट. तो ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा ऑफिशियल लिंक है, जो मेरी हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा. प्लीज़ सिर्फ मेरी ही वीडियो से नीचे जाकर जुड़िएगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फेक ग्रुप्स, ठीक है. तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो क्लोज टू 73,000 आपकी एक्टिव जनता है. ऑन दैट नोट अभी के लिए बाय. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन जो कुछ भी आप और जानना चाहते हो, एंड मैं मिल रही हूँ जेई के स्टूडेंट से कल शाम को फिर से 4 बजे, ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी. और हाँ यार, एक FAQs का बहुत इंपॉर्टेंट वाला आपका नोटिफिकेशन आया था, जो हमने सबसे पहले YouTube पे मोस्ट कंसाइज वे में हाईलाइट करके आपको रेलेवेंट पॉइंट्स दिए थे. उस वीडियो को जरूर चेकआउट करके देखना, 2x पे देखना, 15-20 मिनट में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी. मिलते हैं कल शाम 4 बजे. बाय बाय. एंड पिंड लिंक को जरूर चेक करके टेलीग्राम ग्रुप से 100% जुड़ जाना. ऑलराइट, बाय बाय.